हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र परवाणु में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चीन के प्रधानमंत्री का पुतला फूंका और चीन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मुर्दाबाद के नारे लगाए। जिस तरह चीन ने हमारी सीमा पे अतिक्रमण करने की कोशिश की, हमारे वीर जवानों को, सैनिकों को उन्होंने बहुत बुरी तरह घायल किया और हमारे सैनिक 20 सैनिक शहीद हो गए। हमारे सैनिकों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। इस मौके पे हम चीन की निंदा करते हैं और हम आज ये प्रण लेते हैं कि चीन का बना कोई भी सामान हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही खरीदेंगे। इस स्थिति में, आज की स्थिति में हम अपने देश के, अपने प्रदेश के और हमारी सरकार के साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और हमारी सेना के साथ हम अपने जी जान से हम उनका सहयोग देंगे। सेना के लिए, देश के लिए हम हर सहयोग करने के लिए इस मौके पर तैयार हैं। धन्यवाद। एन स्टार न्यूज़ के लिए परवाणु से मदन कुमार की रिपोर्ट।